ना क्लास स्टूडेंट आई एम कमिंग अप विध एन अदर नेक्स्ट पेज वेयर यू कैन सी हम लोग क्या सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ द नोट पैड विंडो तो पार्ट्स ऑफ द नोट पैड विंडो मेरा नोट पैड ओपन किया गया था मैं नोटपैड विंडो को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रखूंगा तुम लोगों को पार्ट्स को समझाने के लिए ठीक है ए आ, <coughs> ए नोट पैड विंडो हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स ठीक है तो 3.2 में दिया गया है ठीक है तो देख सकते हो टाइटल बार यह है टाइटल बार ये वाला ऊपर वाला जो है टाइटल बार राइट देन मेनू बार ये है मेनू बार फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प यह है मेनू बार ये है यहाँ पे हो दिस टेक्स्ट वेर यू दिस इज द दिस इज वेर अपीयर जैसे कि लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ दिस इज डब्ल्यूर टी एच टी अपीयर जस्ट मैंने लिख दिए बुक के एकदम सेम कर दिए राइट तो तुम लोगों को समझने में आसान हो जाएगा नेक्स्ट टेक्स्ट विल अपीयर राइट देन और क्या है हो गया हम लोगों ने देख लिया कारसर क्या है जो पॉइंटर आगे पीछे होता है ये पॉइंटर आगे पीछे होता है कीबोर्ड से और की से तो इसको कारसर ब्लिंकिंग लाइन जो होता है उसको कारसर कहते हैं ठीक है हो गया डॉक्यूमेंट एरिया ये जो सफ़ेद एरिया है मेनू बार के नीचे टोटल इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है और कुछ है यहाँ पर देख लेते हैं नहीं है तो नोट पैड इंडो को हम लोग पहचान लिए अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे राइट तो ये नोट पैड विंडो हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया है टाइटल बार इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द नोटपैड विंडो नोट पैड विंडो के एकदम ऊपर में इसको ये आता है ठीक है इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल इसके ऊपर नेम ऑफ़ द फाइल आता है फाइल नेम इज अनटाइटल बाय डिफॉल्ट फाइल नेम जब तक सेव नेव नहीं होता है तो अनटाइटल रहता है अभी तक सेव नहीं किया गया है तो इसलिए यहाँ पर अनटाइटल है ठीक है एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज नोट पैड प्रोग्राम का नेम आन टाइटल के बाद एक डैश देकर आता है नोट पैड तो नोट पैड ये इस प्रोग्राम मतलब ये एप्लीकेशन है नोट पैड ठीक है इट इज़ ऑल्सो कॉन्टेंट्स द मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन और यही टाइटल बार में मिनिमाइज बटन दिस इज मिनिमाइज बटन दिस इज मैक्सिमाइज बटन एंड दिस इज क्लोज बटन मैंने जो बोला था यहाँ पे बुक में वो दिखा दिया नाउ द कार्सर कीप्स यू कीप्स ऑन मूविंग टूवर्ड्स द राइट राइट एज यू टाइप द टेक्सट ठीक है टेक्स्ट mm, मैंने ये लिखा तो करसर क्या हुआ मूव ऑन राइट करसर आगे राइट right के तरफ गया राइट right? तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो राइट टू मूव ऑन द करसर ठीक है यू टाइप टिक्स करने से कर्सर आगे जाता है राइट right के तरफ राइट साइड में ठीक है तो टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन प्रेस एंटर की अगर मुझको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो क्या करेंगे इंटर की प्रेस करेंगे ठीक है इंटर की क्या होता है यहाँ पे दिखा देते हैं ऑन स्क्रीन की से ये इंटर की है तो सॉरी यहाँ पे कर्सर रखी यहाँ पे इंटर की प्रेस किए आ गया यहाँ पर ठीक है तो मैंने जस्ट दिखा दिए तो यहाँ पर इंटर की प्रेस करने से कर्सर नीचे के लाइन की तरफ आता है ठीक है हो गया बार ईट हैज़ द फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू एंड हेल्प ऑप्शन बार में क्या है फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू एंड हेल्प ऑप्शन देखो जो जो बोला गया है बुक में वही है ईट हैज़ फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू एंड हेल्प ऑप्शन यही मेनू है बस हो गया डॉक्यूमेंट एरिया दिस इज द लार्ज वाइट स्पेस वेयर यू टाइप द टेक्स्ट ये वाइट स्पेस है मैंने छोटा करके दिखा है पूरा बड़ा कर लेने से बड़ा हो जाएगा ठीक है वेयर यू टाइप द टेक्स्ट हो गया देन uh, हम लोग क्या करेंगे कर्सर इट इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन कर्सर क्या है स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन यहाँ पे रखेंगे तो समझ में आएगा ब्लिंक होता है ठीक है कर्सर स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया ऑन द स्क्रीन इट शोज द पोजिशन वेर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर ये कौन सा पोजिशन दिखा रहा है ये पोजिशन मतलब ये जगह दिखा रहा है जहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर मैं अगर टाइप करता हूँ वहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर उसी लोकेशन में आएगा उसी पोजिशन में आएगा नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर ऑन द स्क्रीन हो गया बस इतना ही है और कुछ नहीं है इस वीडियो को बार बार से देखो क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को एक बार नहीं बार बार देखना पड़ेगा नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग चलो कर लेते हैं इसको भी एक साथ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो टाइटल कर्सर विंडोज डॉक्यूमेंट चार वर्ड है द नोटपैड प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड बाई डिफॉल्ट ऑन द कंप्यूटर रनिंग ऑन द कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है विंडोज होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट प्रोग्राम है नोटपैड ठीक है डैश एरिया इज द लार्ज वाइट स्पेस यूज टू टाइप द टेक्स्ट तो लार्ज वाइट स्पेस क्या है डॉक्यूमेंट एरिया लार्ज व्हाइट स्पेस तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट हो गया थर्ड डैश बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द नोट पैड टॉप ऑफ द नोट पैड में क्या है इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप एट टॉप ऑफ द नोट पैड टॉप ऑफ द नोट पैड में क्या है टाइटल बार तो यहाँ पे क्या आएगा टाइटल देन ए डैश मतलब क्या क्या हो गया विंडोज डॉक्यूमेंट कर्सर हो गया सॉरी टाइटल विंडोज एंड डॉक्यूमेंट हो गया तो क्या पारा बाकी रहा कर्सर सर ऑब्वियसली यहाँ पर कर्सर ही होगा फिर भी समझना पड़ेगा ए डैश सोज द पोजिशन वेर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर ऑन द स्क्रीन तो नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर ऑन द स्क्रीन कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा कर्सर तो मैं इसको भी समझा के कर दिया ठीक है तो थैंक यू यहाँ तक ये पेज भी खत्म हो गया थैंक यू